अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं आपकी महबूब शख्सियत, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और पीटीआई के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ऐसे सच्ची बात बताऊँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप अपनी बेटी की इंतखाबी मुहिम छोड़ के हमारे लिए वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। बहुत कीमती इंतखाबात दी गल करांगे ना सी कड़ा दही पल्ले बना दे तरीके दस देने। अब हम तो मशकूर हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका जुनैद। यहाँ मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं जी। आपने फरमाया साबिक वजीर खारजा और हैं भी हम साबिक वजीर खारजा, मगर ये क्या है कि आज तक वजारत खारजा की वेबसाइट पे बतौर वजीर खारजा नाम आपके इस खादम का ही लिखा हुआ है। आपका जाहो जलाल है ना। मैंने तो यहाँ तक सुना है शाह जी कि पूरी दुनिया के वज़रा खारजा, सदूर वज़रा आज़म आज भी फोन जो है वो शाह साहब को ही करते हैं गलती से। वाँ वाँ। मतलब फोन करके पूछते हैं बिलावल बोल रहा है, शाह साहब कहते हैं नहीं यार मैं शाह महमूद बोल रहा हूँ भाई। ए नहीं सी कहना, ये कहना सी कि वजीर खारजा शाह जी बोल रहे ने। सब सबके मोबाइल्स में नंबर आपका ही सेव है। अल्लाह मोबाइल्स में क्या, दिलों में आपका नंबर सेव है शाह जी। मैं देखिए कितनी खूबसूरत बात की है इन्होंने। जुनैद, अभी तक जुर्रत नहीं हुई इस हकूमत को कि वजारत खारजा से हमारा नाम मिटा दिया जाए। इनको मालूम है कि पूरी दुनिया में बतौर वजीर खारजा शाह महमूद ही जाने जाती है। और एक और बात यहां आपको बताते चलिए कि ये जो पीडीएम है ये दरअसल पाकिस्तान डिफॉल्ट मूवमेंट है। बल्कि ये कहिए कि ये पीडीएम पाकिस्तान डंट पाओ मूवमेंट। शाह जी माफी के साथ, आज आपने बाजू टांगे में कोई झगड़ा हो गया? सियासी गर्मा गर्मी है, उसकी वजह से बाजू टंगे बल्कि टुंगे हुए और हमने यहाँ कोई बम्बीरी वाला टीका नहीं लगवाना। शाह जी गुस्ताखी माफ, आप भी गिरफ्तार होंगे। ये क्या बात है, ऐसे पूछ रहे जैसे शाह जी आप भी इलेक्शन लड़ेंगे। गिरफ्तार यार आद हो गई। साडे पिंडां दे विच पुराने गुड़ दा हलवा बनाओ तो इंज दा बनदा है। सिर्फ जाहिल बंदा खा सकता है, पढ़िया लिखिया नहीं। तो सियासतदान बुरा तो नहीं बनाते, वो तो कहते हैं हमने जेलें काटी हैं। इंतहाई जाहिलों वाली बात आपने की। अच्छा। अरे भाई जब मूवमेंट चलती है तो गिरफ्तारियां क्या मानी रखती है। आया, आया, आया। और एक बात आपको और बताते चले जी, ये जहन में हो कि हमारे लिए इमरान खान रेड लाइन है और इमरान खान के लिए शाह महमूद रेड लाइन। अरे शाह जी ऐलान कर चुके हैं कि हथकड़ियां मर्द के हाथों का जेवर होती हैं। जी हाँ, और अगर हमारी हथकड़ी की बारी आई तो इमरान हमें पीछे करके इंशाल्लाह अपना बाजू आगे। शाह जी अगर इमरान खान साहब की तरफ हथकड़ी आई तो आप हाथ आगे करेंगे? इमरान खान साहब टुंडे ने, वो अल्लाह के फजल से एक दलेर लीडर है, उन्हें किसी गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है। और ये हमारे मुखालफीन को भी पता चल चुका है, ये इन गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं हम। हम तो अपने बाजू नंगे लेके फिरते हैं। इनको अगर लीडरों को गिरफ्तार करने का इतना ही शौक है कि आपस कर लेने एक दूजे अखीर तो इन्होंने आपस लड़ के कमते हो ही करना है। शाह जी आप मुल्तान में अपनी साहबजादी की इंतखाबी कैंपेन में तो इतने जोरों शोर के साथ कह रहे हैं ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, अब आप कह रहे हैं तकरीर में यही बातें करते हैं और क्या कहते हैं, वीर पैदा ग्लास वीर पैदा ग्लास वीर पैदा ग्लास। तकरीर में इस तरह के फिक्रे कहने पड़ते हैं, इस तरह के मिसरे फेंकने पड़ते हैं। बातिल से डरने वाले, ए आसमान नहीं दो बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। यानी दो नहीं सौ बार ले, मनुषा सौ नहीं दो बार ही लिया हल्ले। सानू नाश मरवाना ही। तो शाह जी आपने अपने इम्तिहान अगर कम दिए तो शायर की ऐसी तैसी ना पेरे।
भाई शायर 100 बारी पढ़ी आ गया उन्हें उन्हें अपना 100 फिट की तैसी अपना 2 फिट करनी हो बल्कि ऐसी गिरफ्तारी नो 2 फिट करनी हो। अच्छा शाह जी ये बताएं कि मुल्तान का इंतखाबी मार्ग का यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले पे जीत लेंगे? जुनेद मियां हमारा खानदान शिकस्त की शीन से भी नाआशना है। अल्लाह ताला के फजल करम से शाह महमूद खानदान की किस्मत में सिर्फ फतह लिखी है। अच्छा इंशाल्लाह बेटी मेहरो एक लंबी लीड से जीतेगी। अच्छा शाह जी मैं सोच रहा था जब आप मेरे शो में आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। शाह जी देखिए तहरीक इंसाफ जो है वो मरूसियत के खिलाफ अलम बुलंद करती है, लेकिन आप पहले खुद असेंबली में तशरीफ लाए, फिर एक नशिस्त खाली हुई तो आप अपने बेटे को ले आए, फिर तीसरी दफा मौका मिला तो आप अपनी बेटी को ले आए। तो ये मरूसियत के खिलाफ नारा लगाना मरूसी सियासत नहीं है, ये पार्टी की जरूरत है। जाइए जाके मुल्तान से पूछिए, मुल्तान के वासियों से पूछिए, मुल्तान के दरो दीवार से पूछिए, मुल्तान की एक एक ईंट से पूछिए, मुल्तान के गुंबद मीनारों से पूछिए, मुल्तान के एक एक शख्स से पूछिए कि इस हल्के के लिए मेहरबानों से ज्यादा मौजू और कौन सा उम्मीदवार हो सकता है। वो आपको बताएंगे कि नहीं शाह जी ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। शाह जी मरूसी सियासत की पैरवी करने वाला हर बंदा इसी तरह के दलाइल देता है। देखिए हम मरूसी सियासत के खिलाफ हैं। हमने तो इमरान खान से कह दिया था खुला मैदान है ये मैदान और ये मैदान का घोड़ा, जाइए जिसको मर्जी उम्मीदवार बना लीजिए। हम तो ये कह के उठ के निकल आए थे, इमरान खान ने पीछे जंप मार के हमारी टांग पकड़ ली और कहने लगे कि नहीं शाह जी नहीं, खुदा के वास्ते इस हलके के लिए आप अपनी बेटी को ही उम्मीदवार बनाइए वरना हम आपसे रूठ जाएंगे। क्या इमरान खान को रूठने देते? देखिए सिर्फ अपने कायद के चेहरे पे खुशी देखने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मरूसी सियासत नहीं करते शाह जी। इन्ना गल्ला तो आनो मैं तेरे शो तू समझना शायद मैं चेक लेना ना हूं। शाह जी मैं अभी तो लाफ्टर नहीं ले रहा होता हूँ। शाह जी अभी आपने कहा कि मुल्तान की ईंटों से पूछो, तो मुल्तान शहर तो बहुत पुराना है, छोटी छोटी ईंट लगी है, वो छोटी ईंट बोल लेगी? तुहाडे कोल मुल्तान दी छोटी ईंट आई हुई है ना, बोल दिए कि नहीं था? छोटी ईंट से पूछेगा वो तोतली जबान में बोल लेगी, जवाब तो देगी ना छोटी है। शाह जी दरो दीवार और ईंटों से बातें करता हुआ इंसान पागल तो नहीं लगेगा? तो पहले केड़ा तू नून मीम राशिद लगना है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, गाना सुन लेंदे हो शाह जी दी गल नहीं सुनदे। अच्छा शाह जी सियासी लोगों की गिरफ्तारियां तो होती रहती हैं, अल्लाह ना करे अगर आप पकड़े गए तो कैदी वाली वैन से ऐसे हाथ बाहर निकाल के करेंगे? बेटा ये मनोज टॉपिक चेंज हो चुका है, तेरा बड़ा रेसी साइकिल दी गद्दी अरगा में है। अब बात इलेक्शन की हो रही है तो वही गिरफ्तारी में फंसे हुए हैं। शायद ये जुगत ना रेसी साइकिल वाली आप 2016 में इसको लगा चुके हैं। चलो कोई नमी कर लेने हैं। बड़ा बेटा तेरा मेमने दे नाड़ू अरगा में। अच्छा शायद साहब आपने अपने एक बयान में कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अपनी हैसियत में रहे, अपनी औकात में रहे, और आपने कहा है कि मैं वो बंदा हूं जिसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने खुद पीपल्स पार्टी में शामिल किया था और फिर मुझे ढूंढ के वजीर खारजा बनाया। ये क्या मतलब ढूंढ के वजीर खारजा क्या मतलब? उन दिनों च मैं गुआचिया होया सा, मसीते ऐलान होया सी साडा वजीर खारजा जिन्ने नीले रंग दा सूट पाया होया है परसों किसे मुरीद नु दम करन निकलिया सी ते घर वापस नहीं आया। ये क्या बात, जिन्नू मिले फट के बाजार ते खारजा पहुंचा दियो, आन जान दा रक्षे दा किराया भी दिता जाएगा। आप क्यों इतने भोले बनते हैं? वाजे है मेरी बात, अल्लाह ताला के फजल करम से बीबी बेनजीर ने हमें रिक्वेस्ट करके पीपल्स पार्टी में शामिल किया। अच्छा। ये उदो दी
का लेहुन नहीं, अब हम तहरीक इंसाफ में है और वजारत खारजा भी जुनैद हमें तलाश करके दी गई। जी जी सर जी, वजारत ते रिजक इंसान का पीछा कर दे। रिजक ते पीछा कर दे, तू वजारत कोलों पा लईए। शाह जी, गिलानी साहब के बारे में आपके लबो लहजे में जरा ज्यादा ही तलखी आती जा रही है। पिछले दिनों आपने ये भी फरमाया कि अगर मेरे बेटे जैन की बारात हो मैं नाचूं तो ठीक है, लेकिन ये प्राई बारात पे यूसुफ रजा गिलानी क्यों नाच रहा है, ये क्या मतलब? महावरत अंगल की तीसी कोई चची मुची दे डांसर नहीं असी। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे बेटे का इलेक्शन है और मैं उसकी कंपेन चला रहा हूं तो मेरा तो बनता है। जो हमारा मुखालिफ उम्मीदवार है गिलानी साहब खामखा उसकी इलेक्शन कंपेन में जाके तकरीरें कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा था कि प्राई शादी पे यूसुफ दीवाना। अरे मुहावरा तो अब्दुल्ला दीवाना। भाई अब्दुल्ला हमें कुछ कह ही नहीं रहा, हम खामखा उसका नाम ले लें। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये जो है ये T20 है, इससे जो अगला एशिया कप है जो एक साल बाद ही होगा 2023 में, वो पाकिस्तान में है और वो जो होगा वो वनडे होगा। लेकिन अगर होगा 50 अगर होगा, क्यों नहीं? अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है कि हिंदुस्तान जो है वो फटा करेगा, हिंदुस्तान जो है वो नहीं होने देगा। अजरबैजान, सियासत की गर्मा गर्मी के दौरान ही ये जो क्रिकेट के हवाले से एक शुरू होने वाली है रौनक मेला कहना चाहिए, गर्मा गर्मी तो नहीं कहनी चाहिए, सही, वो कल से शुरू हो रहा है एशिया कप की सूरत में। वाह। और इतवार के दिन फिर जो है वो बड़ा मार्का होने को है और इस बड़े मार्के की सारी टिकटें जो है वो एक या दो घंटे के दौरान जो है वो ऑनलाइन सारी की सारी फरोख्त हो चुकी है। अरे वाह वाह वाह। ये टूर्नामेंट UAE में हो रहा जी? हाँ, ये टूर्नामेंट UAE में हो रहा है और इसका जो असल मेजबान था जाहिर है वो श्रीलंका था। अच्छा, जो अच्छा, कल इफ्तिताही मैच खेल रहा है। सर ये एशिया कप 50 ओवर का है या 2020 का? सर ये जो हो रहा है ये T20 है और ये 15वां एशिया कप हो रहा है, इससे पहले 14 एशिया कप हो चुके हैं। और एशिया कप शुरू हुआ था 1984 में, शुरू हुआ था जब एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी थी। अच्छा अच्छा, अच्छा। और इसका जो उन्होंने अब फॉर्मेट किया हुआ है वो ये किया है कि दो साल बाद होता है, तो हर जो अल्टरनेट एशिया कप है वो फिर एक T20 होता है, एक वनडे होता है, फिर T20 होता है, फिर वनडे होता है। तो ये जो है ये T20 है, इससे जो अगला एशिया कप है जो एक साल बाद ही होगा 2023 में, वो पाकिस्तान में है और वो जो होगा वो वनडे होगा। लेकिन अगर होगा 50 अगर होगा, क्यों नहीं? अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है कि हिंदुस्तान जो है वो फटा करेगा, हिंदुस्तान जो है वो नहीं होने देगा। और इससे पहले जो 14 एशिया कप हुए हैं उसमें से एक का हिंदुस्तान ने बायकॉट किया था। अच्छा। और एक का पाकिस्तान ने बायकॉट किया था। अच्छा। लेकिन दोनों जो एशिया कप जो थे वो हुए थे, वो बायकॉट के बावजूद हुए थे। लेकिन इस दफा अगर पाकिस्तान ये इसरार करेगा कि जी जिसने खेलना है खेले, जिन्हें नहीं खेलना ना खेले, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी बोर्ड जो है बड़ा मजबूत हो चुका है। वो ये कहेगा कि जी या तो ये 2023 वाला जो एशिया कप है या तो आप UAE ले जाए, या फिर अगर पाकिस्तान में हुआ तो हमने नहीं आना, पाकिस्तान में वो खेलने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि तगड़ा है उसकी बात मानी जाएगी। दुकानदारी खुद बन गया क्रिकेट का वो इस वक्त, बड़े पैसे इकट्ठे होते हैं जी, आबादी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना जी T20 तो हमने अपनी जिंदगी में देख ली है, 50-50 ओवर के मैच के बाद, वनडे के बाद T20, मुझे लगता है T10 भी शुरू हो जाएगा। अच्छा पता है क्या, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं तो काफी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि जो पब्लिक डिमांड होगी जिसमें दिलचस्पी का अंसर ज्यादा होगा वो एक मतलब रिटेन करेगा, वही रहेगा, बाकी खत्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हम भी टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों में शामिल हैं और हम भी उन लोगों में शामिल हैं जो कहते हैं कि असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट ही है। लेकिन बात यह है कि जो पब्लिक देखती है, जो पब्लिक जिसमें दिलचस्पी रखती है, जिसमें इंटरेस्ट का फैक्टर जो है, दिलचस्पी का पहलू ज्यादा है, वो जाहिर है कि वो पॉपुलरिटी हासिल करता है, फिर वही बिजनेस लेता है
और जो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट अब जितने क्रिकेट के आगे हुए हैं वो जाहिर है कि वो ही फिर ज्यादा रूल करता है। बिल्कुल सर, ठीक है। बल्कि अब तो वसीम अकरम तक ने कह दिया है कि जनाबे अली के अब सोचना चाहिए कि ये जो वनडे क्रिकेट है इसका फ्यूचर क्या होगा। बल्कि आप देखें ना कि ये पाकिस्तान जो है ये जब एशिया कप होगा, एशिया कप के फौरन बाद जो है वो इंग्लैंड की टीम आएगी 7 T20 खेलने के लिए, 7 T20 मैचेस खेलने के लिए। हाँ, और उसके फौरन बाद जो है वो T20 का वर्ल्ड कप आ जाएगा। अगले 2.5 महीने जो है खूब T20 की रौनक लगी रहेगी। इतना इंसान मसरूफ होता जा रहा है, T10 आवे ही आवे। देखना तुम 6 ओवरों का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टीम के कैप्टन ने घर में कहना है कि एप्पल ये लो के अदर रोटी उते रखना ते मैं फटाफट मैच खेल के आया, करेले छेलते मैं आया। क्यों जी, लो थोड़ी मर्जी है बाबूजी। अच्छा सर जी, मेरा ख्याल है एशिया कप टेस्ट के साथ भी हो चुका है। हाँ, एशिया कप टेस्ट के साथ भी हो चुका है, एक कोशिश की गई थी। अच्छा, सिर्फ दो ही हैं कॉन्टिनेंट जो खेल चुके हैं जिनके नाम पर टूर्नामेंट होता है, बल्कि जो एफ्रो कप है जो अफ्रीकी खेलते थे इसमें जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया की टीमें हिस्सा लेती थी। जी जी। फिर एफ्रो कप क्या, फिर एफ्रो एशिया कप भी हो चुके हैं। अच्छा जी। और ये भी मेरा ख्याल 2 दफा हुआ है एफ्रो एशिया कप, बल्कि अब कहा जा रहा है कि तीसरे एफ्रो एशिया कप की तैयारियां भी हो रही हैं। जबरदस्त। वो मेरा ख्याल है कि वो तसलसल नहीं रख सके कायम, लेकिन ये जो एशिया कप है ये तसलसल के साथ हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ये जो हो रहा है अगले साल जो होना है वो इस वजह से होना है, वरना तो 2 साल बाद होना था ना। तो ये जो कल से शुरू हो रहा है ना एशिया कप, ये असल में पिछले साल होना था, तो वो ये कोविड की वजह से ये 1 साल आगे चला गया और 2023 में जो होगा वो 1 साल के वक्फे से। तर वैसे एशिया कप जीतने के हवाले से पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं, बहुत बुरा है पाकिस्तान का रिकॉर्ड। अच्छा जी। हाँ, हिंदुस्तान 7 मरतबा जीत चुका है और श्रीलंका 5 मरतबा जीत चुका है एशिया कप, पाकिस्तान सिर्फ 2 मरतबा जीता। अरे, आज तक पाकिस्तान सिर्फ 2 मरतबा जीता है। चलो, कोई एक दफा आपको याद होगा सन 2000 में पाकिस्तान जीता था जब मुईन खान कप्तान थे, और एक बार पाकिस्तान उसके बाद 12 साल की खुश्क साली के बाद दोबारा एशिया कप जीता था। उस वक्त मिसबाउल हक कैप्टन थे पाकिस्तान के। अगर आपको याद हो ये वही मैच है जिसमें वजीर आजम हसीना वाजिद बांग्लादेश की जो वो बैठी हुई थी, और जैसे ही पाकिस्तान जीतने लगा था वोट के चुप के पतली गली से, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें रखा इनक्लोजर का नाम ही पतली गली रख दिया होगा और निकल गई थी पतली गली से जब पाकिस्तान जीतने के बिल्कुल करीब था। अच्छा सर, ये जरा बताएं कि एशिया कप मेरा ख्याल इंडिया में ज्यादा हुए हैं। हाँ, इंडिया में जब होते हैं वो करवा लेते हैं, जाहिर है कि वो तगड़ा मुल्क है वो करवा लेते हैं। इंडिया के जो होने वाले थे वो भी यूएई में ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन अच्छा हिंदुस्तान एक तो जीता ज्यादा है एशिया कप, ठीक है, लेकिन उस पर पाकिस्तान जब ये 2 दफा जीता पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में हुआ आज तक 1 दफा। अच्छा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात। ये वैसल भाई, पाकिस्तान में सिर्फ 2008 में 1 मरतबा एशिया कप हुआ, सिर्फ 1 मरतबा हुआ है, और अब ये 2023 में होने जा रहा है, जो कि जिसके बारे में मैं इस खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि शायद हो ना पाए, हिंदुस्तान नहीं होने देगा। इसका मतलब है पाकिस्तान उसी 1 पे खड़ा रहेगा, यानी जो 2008 में वाला जो है। और आपको ये सुन के मजीद हैरत होगी कि ये जो एशिया कप है ये पहली बार भी इन मुल्कों में नहीं हुआ था, ये पहली बार भी यूएई में ही हुआ था। और आपको मजीद हैरत होगी कि शारजा में होने वाला ये पहला मैच था, और उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने बड़ा बुरा परफॉर्म किया था। पाकिस्तान गालिबन श्रीलंका से भी हार गया था और इंडिया से भी हार गया। अल्लाह पाक रहमत करे, मेरा अपना ख्याल है, मेरा जी भी चाहता है और मेरा ख्याल भी है कि जब तक बाबर आजम है ना कैप्टन, लाजमन इंशाल्लाह 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 कोई बड़ा रिकॉर्ड जो है ना जिया को बड़ा क्रेडिट वो हमारे हिस्से में जरूर आएगा। अजीजी, वो तुम्हारा भी थापड़ा लेके गया बाबर आजम यहाँ से। इस एशिया कप के बारे में एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान को फेवरेट करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की टीम जो है बड़ी तगड़ी टीम है, इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेगी। कप्तानी में बहुत अच्छा और बड़ा मजबूत खेल रहे हैं। वैसे अभी तक जो है एशिया कप में जो रन का रिकॉर्ड है और जो विकेटों का रिकॉर्ड है दोनों श्रीलंका के पास है, ना पाकिस्तान के पास है और ना ही हिंदुस्तान के पास। अच्छा जी। हाँ जी, ज्यादा विकटों का रिकॉर्ड जो है वो मलिंगे के पास है। अजीब ही है मलंग वैसे यार, बड़ी किस्मत है उसकी। और जो रन्स का रिकॉर्ड है वो जय सूर्या के पास। नहीं तो मलंगे ने हजामत कराई है कि नहीं। अच्छा, और श्रीलंका वाहिद मुल्क है जो अभी तक 14 के 14
एशिया कप खेल चुका है। अरे वरना मैंने जैसे बताया कि पाकिस्तान भी एक नहीं खेला, हिंदुस्तान भी एक नहीं खेला, श्रीलंका सारे के सारे खेल चुका है, अकेला मुल्क है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। विजिटिंग कार्ड था वो, किसी ने ट्रायल के तौर पे बना के मुझे दिया था। ट्रायल के तौर पे क्या मतलब? ट्रायल के तौर पे उस कार्ड पे तुमने खुद को नैब का अफसर जाहिर किया हुआ है, बल्कि डिप्टी डायरेक्टर जाहिर किया हुआ है, और डिप्टी डायरेक्टर कार्ड पे छपवाने से पहले अपनी शक्ल तो देख लेते, तुम लगते हो डिप्टी डायरेक्टर। तुम्हारे जैसे होते सरकारी बंदे, ऐसे होते सरकारी बंदे। हाँ नाज़रीन, आए रोज ये खबरें सुनने और पढ़ने को मिलती हैं कि फला शख्स फला महकमे का जाली अफसर बनकर लोगों को लूटने के इल्जाम में गिरफ्तार। गिरफ्तारियां भी होती हैं, कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन ऐसे वाकयात खत्म होने का नाम नहीं लेते। आज हस्पताल के कटहरे में खड़ा है ऐसा ही एक जाली अफसर। ओ सर जी, मैं कोई सरकारी अफसर बन के वहां नहीं गया था, मैंने तो सिर्फ इन्हें ये कहा था कि वो अफसर मेरा रिश्तेदार है। यहीं से बात शुरू होती है ना, पकड़े जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि मैंने ये कहा था वो कहा था। तुम सरकारी अफसर बन के गए थे? महकमे का जो जाली कार्ड तुमने बनवाया वो कहां से बनवाया? विजिटिंग कार्ड था वो, किसी ने ट्रायल के तौर पे बना के मुझे दिया था। ट्रायल के तौर पे क्या मतलब? ट्रायल के तौर पे उस कार्ड पे तुमने खुद को नैब का अफसर जाहिर किया हुआ है, बल्कि डिप्टी डायरेक्टर जाहिर किया हुआ है, और डिप्टी डायरेक्टर कार्ड पे छपवाने से पहले अपनी शक्ल तो देख लेते, तुम लगते हो डिप्टी डायरेक्टर। तुम्हारे जैसे होते सरकारी बंदे, ऐसे होते सरकारी बंदे। हाँ, और ये जो गिटकू है ऐनक वाला, ये को पहली दफा नहीं पकड़ा गया, ये को तीसरी दफा पकड़ा गया। FIA का भी बंदा बन के ये फिरता रहा है, और फिर ये FBR का भी बन जाता है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, आदि मुजरिम। हाँ, इनकम टैक्स के हवाले से भी लोगों को डराना चाह रहा होता है। जो कोई डर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह वारे से फिर आप डर जाता है। असल में झिझक होती है ना, झिझक खत्म हो गई, डर खत्म हो गया, फिर ये जिस मर्जी महकमे के अफसर बन जाए। सर जी, तालीम याफ्ता हूँ, नौकरी नहीं मिली तो फिर ये काम करना पड़ गया। ये कुछ जवाब है तुम्हारे पास? नौकरी नहीं मिली तो फ्रॉड शुरू कर दिया, नौकरी नहीं मिली तो कत्ल कर दिया। और खुदा का नाम लो यार, अपनी रोटी के लिए जिन लोगों को इस तरह वरगलाते हो, जिन लोगों को डराते धमकाते हो, जिनसे पैसे बटोरते हो, उनका तो हलाल का रिजक छीन रहे होते हो सिर्फ अपने दो नवालों के लिए। और झिझक इनकी ऐसी खत्म होती है, डर इनका ऐसे उतरता है कि अभी चंद दिन पहले कराची में ऐसा ही एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। वो ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों का अफसर बार बार बन के लोगों को लूटता था, बल्कि वो खवातीन की इज्जत से भी खेलता था। 7 शादियां कर चुका था, अफसर बन के 7 शादियां कर चुका था। हाँ जी, जाहिर है धोखे में ले लेते हैं लोगों को, और इसी तरह फिर खवातीन को भी जाहिर है धोखा देते होंगे। और फिर इसकी सबसे बड़ी जो बदबख्ती है वो ये है कि आप एक तो अपने लिए चलो गुनाह इकट्ठा कर रहे हो, दूसरा आप किसी को परेशानी में डाल देते हो। मासूम लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं। वो तो कोई थोड़ा बहुत कुछ सेंस किसी को हो आगे से, वो को कार्ड मांग ले, कार्ड भी इन्होंने बनवाया होता है। बिल्कुल। वो फिर कुछ लोग कार्ड के ऊपर रह जाते हैं, उधर डर जाते हैं। फिर भी अगर कोई दलेरी कर जाए, थोड़ी समझ बूझ वाला बंदा ये कह दे कि यार उस महकमे में मेरा भी एक रिश्तेदार लगा हुआ है, या कह दे कि यार मैं फलां अफसर से बात करता हूँ, फिर इनकी आवाज निकलती देखो। फौरी तौर पे फिर ये इसी तरह की चीजें कहना शुरू हो जाती हैं कि नहीं मैं उस महकमे में नहीं हूँ, मेरा उधर एक रिश्तेदार है। अच्छा, जिस महकमे का ये अफसर अपने आप को शो कर रहे होते हैं, आमतौर पर उस महकमे में एक आध बंदा इन लोगों ने वाकिफ कर रखा होता है, ताकि बवक्ते जरूरत कॉल करवा सके, उसको कॉल करके पूछ ले जी ये कर, अगर पकड़े जाने का डर हो तो उस महकमे में कॉल भी करवा देते हैं ये लोग। हाँ जी, बंदोबस्त तो खैर पूरा करके निकलते हैं ये। वो तो कोई आगे से बहुत ही कोई इंटेलिजेंट आदमी हो, और वो भी कोई आगे से असर रसूख वाला हो जिसका इनको पता ना हो, तो वो इनको पकड़वा दे तो पकड़वा दे, वरना अपनी वारदात डाल के निकल जाते हैं। भाई आप तो भीगी बिल्ली बन के आंसू बहा रहे हो, जब तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे होते हो उस वक्त तो तुम लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान को छू रहा होता है। ओहो, देखो यार, अब बेरोज समझवारी साहब की एक्टिंग कर रहे हैं।
अरे जब बाहर निकलता है वारदात डालने, उस वक्त पूरा शफकत चीमा बना होता है। इन लोगों ने गाड़ियां किराए पे लेके उस पर वायरलेस लगाई होती है, लाइट्स लगाई होती है, सरकारी अफसर अपने आप को शो करने के लिए। हाँ जी हाँ जी, घूमने वाली पति भी रखी होती है गाड़ी में। बेसिकली तो डांसर है ना, तो लाइट के साथ खुद भी घूमता है, डांस करना शुरू कर देता है फ्रंट सीट पे बैठ के। बड़ी बात है जी कि नैब का अफसर बना हुआ है, वरना स्कूलों में ऐसे जादूगर आते हैं जो बच्चों को तमाशा दिखाते हैं। अच्छा, इन लोगों का असल कमाल उन लोगों को फांसना होता है जो पहले कानून से खौफजदा होते हैं, कोई हरकत की होती है जिन लोगों ने। सर जी रिसर्च करनी पड़ती है, महीना महीना रेकी करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके शिकार मिलता है जी। क्या बात है, अपने लोग क्या तो चीता फड़न निकले हैं करो। मेरे जैसे सेंसिटिव लोगों को लूटते हो। इतना सेंसिटिव है, हर 15 मिनट बाद विग उतार के वहां लगवाए तो फिंसियां निकल आती हैं। अच्छा, जदीद टेक्नोलॉजी ने इन फ्रॉडियों का काम मजीद आसान कर दिया। पहले तो इन लोगों को विजिटिंग कार्ड्स अपने छपवाने के लिए मेहनत करना पड़ती थी, किसी प्रेस से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था, जो कि एक मुश्किल काम था। अब जो वो छोटे छोटे प्रिंटर्स आ गए, ये खुद ही एक दिन में तीन तीन मैक में बदल बदल के अपने नाम और डेजिग्नेशन भी बदल बदल के कार्ड निकालते रहते। सर जी माफ कर दें, गलती होगी है, क्यों पूरे पाकिस्तान में मुझे पंड रहे हैं आप? ले पंड रहे हैं, पहले कौन सा लोग तुम्हें जॉन एलिया के नाम से याद करते? फ्रॉडियो तुम सबको पता है। इतनी दीदा दिलेरी के साथ वारदातें करते हैं कि पिछले दिनों अंदाजा करो कि इनके लेवल जो है वो कहां तक पहुंचे हुए हैं कि नैब के अफसर बन के जेल सुपरिटेंडेंट से जाके कहते हैं कि जेल का दौरा करवाओ। हाँ, कसूर में ये वाक्य चंद हफ्ते पहले पेश आया है। उसने कहीं दौरा करवा तो नहीं पकड़ लिया उसने, वो भी जेल सुपरिटेंडेंट था, उसने पकड़ लिया। यार है वो भी रंग रंग के बंदों को भुगतते हैं। उसने जेल में कहा, उसने कहा आओ दौरा करवाता हूँ अंदर करके, उसने बाहर से कुंडा लगा दिया और डंडा फाड़ के उसने दौरा करवाना शुरू कर दिया। इन्हें फड़िया नहीं सी जाना, असल चो बेचारे ने अंदर वाड़े ना दौरा कराने वास्ते, ते कगो फराडिया जेल च ही सी, ओने नु वेख के क्या उस्ताद जी तुसी भी फड़े गए हो। नाज़रीन यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। टैंकर में आग लग गई है और इधर अगर धमाका हो गया और पेट्रोल पंप और आबादी, तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस नौजवान बब्बर शेर ने छलांग लगाई गाड़ी में बैठा उसी टैंकर में। अच्छा। जिसमें आग लगी हुई है और उसे बड़ी तेजी के साथ आबादी से कुछ 2 किलोमीटर बाहर ले गया। अच्छा जी, सैलाब जो है वो हर तरफ बहुत ही ज्यादा खौफनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए है। ऐसे में जो लोग इनकी मदद के लिए निकल रहे हैं, हमारे हमवतनों की और वहां के लोगों की मदद के लिए जो लोग निकल रहे हैं, वो काबिले स्ताइश हैं। उनको सलूट पेश करना चाहिए, और खास तौर पे जो उस इलाके में जाके तो मदद कर रहे हैं, और सामान पहुंचा रहे हैं, खुद वहां पे पहुंच रहे हैं, बिल्कुल वो बड़े ही दाद के काबिल लोग हैं। बिल्कुल सर, उस हवाले से मेरे जेहन में आ रहा था कि जो ऐसे काम करते हैं उनकी पजीराई जो है वो टेलीविजन के ऊपर करते रहना चाहिए, ताकि लोगों में हौसला पैदा हो मजीद। जी वैसे तो अल्लाह के फजल से हमारे मुल्क के अंदर जब भी अल्लाह ना करे कोई खौफनाक सूरत हाल पैदा हो, या बहुत से लोग अल्लाह के फजल से निकलते हैं और पहुंचते हैं ऐसे कामों में, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसी वाले से एक खबर मेरे सामने आई तो मैंने कहा जरूर इसका अपने शो में जिक्र करें। जी जी। एक नौजवान है क्वेटा के, बालाच नौशेरवानी, जिनको सदारती अवार्ड दिया गया है। अच्छा। सदारती अवार्ड उस मरहूम को, बेचारा शहीद हो चुका है, उसको किस बात का मिला है सदारती अवार्ड, उसका जिक्र करें जी। उसके सामने क्वेटे में ही एक बच्चा, कचरा चुनने वाला बच्चा जी, कचरा चुनने वाला एक बच्चा एक कुएं में गिर गया। उसने वो देख लिया कि एक कोई बच्चा लड़का कोई कुएं में गिरा, तो उस बेचारे ने उसे निकालने की कोशिश उसी वक्त शुरू कर दी। अच्छा। और कोई रस्सी जो उसके उस वक्त हत्थे चढ़ी, उसके साथ वो उस कुएं में उतरा, तो वो उसी कोशिश में था कि रस्सी टूट गई और वो भी बेचारा कुएं में गिर गया। उसके बाद 2 नौजवान जिनका ताल्लुक क्वेटा के ही शहर मस्तूंग से है, जलील अहमद शाहवानी और अमीर हमजा शाहवानी, उन 2 लड़कों ने 14 घंटे की मेहनत और जद्दोजहद के बाद
इन दोनों लड़कों की लाशें निकाली कुएं में से। तो मैं इसलिए इसका जिक्र करना चाह रहा था कि इस दौर में जहां फिर नफसा नफसी का आलम है और भाग दौड़ पड़ी हुई है और हम अपने सगे रिश्तेदारों अपनी खानदान के अफराद को भी देखना हमें नसीब नहीं होता, टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। उसमें एक शख्स ऐसा, एक लड़का ऐसा, नौजवान नौजवान लड़का एक किसी बच्चे को कुएं में गिरता हुआ देखता है तो उसे बचाने के चक्कर में अपनी जान की बाजी हार जाता है, शहीद हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी अजीम मिसाल है, बड़ी अजीम मिसाल है। और बड़ा ही अच्छा किया हुकूमत पाकिस्तान ने कि उसे सदारती अवार्ड से नवाजा गया ताकि बाकी लोगों में ये तरगीब मिले लोगों को और हौसला पैदा हो और ऐसी जो पजीराई होती है उसी से फिर हीरो जन्म लेते हैं। कौम के अंदर हीरोज इसी से जन्म लेते हैं कि अच्छे काम में अगर आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो आपको सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाए। इसी तरह की एक और मिसाल जो सामने आई उसका भी जिक्र किया जाए जी। ये भी वाकया जो है ये क्वेटा का है, बलूचिस्तान के शहर क्वेटा का, कि एक ऑयल टैंकर जो के पेट्रोल पंप पे खड़ा था और पेट्रोल मुंतकिल कर रहा था पेट्रोल पंप की टैंकी में जी। उस टैंकर में आग लग गई। ओ। आग लग गई तो उसका जो ड्राइवर था फैसल बलोच नामी जी। अजीम आदमी, बड़ा दलेर आदमी, उसने जब देखा कि टैंकर में आग लग गई है और इधर अगर धमाका हो गया और पेट्रोल पंप और आबादी तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान होगा, उस नौजवान बब्बर शेर ने छलांग लगाई गाड़ी में बैठा उसी टैंकर में जिसमें आग लगी हुई है और उसे बड़ी तेजी के साथ आबादी से कुछ 2 किलोमीटर बाहर ले गया और एक बहुत बड़ी तबाही से उसने बचा लिया लोगों को। मैं समझता हूं कि ये भी बड़ी अजीम मिसाल है। उस फैसल बलोच को फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में मदऊ किया गया, उसे वहां पे मेहमान के तौर पे और उसे सराहा गया, बल्कि शहबाज शरीफ ने तो उसे बुलाया वजीर आजम हाउस में, आर्मी चीफ ने भी उसके लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। इसने वाकई बड़ी जुर्रत और बड़ी इंसानियत का मुजाहरा किया है, बहादुरी का मुजाहरा किया है कि इसने दूसरे इंसानों को तबाही से बचाया है, नुकसान से बचाया। बड़ी बात। तो मैं समझता हूँ कि वजीर आजम की तरफ से उसे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया जाना, फिर आर्मी चीफ की तरफ से उसे सराहा जाना, ये बड़ी ही खूबसूरत रवायत है। हाँ जी। जैसे मैं सैलाब जदगान की मदद में जाने वाले लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, ये कोई छोटा कारनामा नहीं होता। ये इस दौर के अंदर, इस नफसा नफसी के दौर के अंदर, जबकि हम पहले भी ये कह चुके हैं कि अपने सगे रिश्तेदारों को देखने का इंसान के पास टाइम नहीं है, कोई किसी के लिए, कोई दूसरे इंसानों के लिए इस तरह निकलता है या इस तरह हिम्मत करता है या बहादुरी का मुजाहरा करता है तो उसे लाजमन सराहा जाना चाहिए, लाजमन उसे प्यार करें, उसको अप्रिशिएट करें ताकि लोगों में ये जज्बा कायम रहे। ये खिदमत करने की जो रवायत है पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह के फजल से हमारी कौम के अंदर वो कायम रहे। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये किसी के लिए अपनी जान रिस्क में डाल देना या जान कुर्बान ही कर देना, जैसे उस लड़के ने बालाश ने कुएं में छलांग लगा दी बेचारे ने, रस्सी पकड़ के, बेशक उसको क्या पता था कि मेरी भी अभी जान जाने वाली है, मगर उसने उसी वक्त रिस्क लिया। क्या बंदा सोच सकता है इस तरह इंसान कोई गिरा हुआ है तो वो खुद अपनी जान को रिस्क में डाल के, खतरे में डाल के इस तरह दूसरे के लिए कुएं के अंदर उतर जाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक खूबसूरत सा शेर, उसने जंजीर मेरे पाँव में दोहरी कर दी, उसने जंजीर मेरे पाँव में दोहरी कर दी, मैंने पूछा था कि दीवार से आगे क्या है। खुश रहें, खुश रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।